अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़। आज जो हम जिस ब्लॉक का तस्करा कर रहे हैं, ये ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है जिसका फ्रंट जो है चक्री रोड पे आ रहा है। 180 फुट ये रोड वाइड है और चक्री रोड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो सबसे मेन एंट्रेंस बन रही है, एक्सेस रोड 1 यानी ओवरसीज़ प्राइम की एंट्रेंस है। ये विजुअल्स आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के देख रहे हैं ओवरसीज़ प्राइम के, ये ग्राफिकल विजुअल्स इंशाल्लाह एक साल के अंदर आपको हकीकत में नज़र आएंगे। इस ब्लॉक की एक और भी खासियत ये है कि यहाँ पे F2 रेस ट्रैक आ रहा है, वाटर स्पोर्ट्स होगा यहाँ पे, फेरिस व्हील का आएगा और जो इसमें लेक्स हैं उसको नेचुरली प्रिजर्व किया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आ रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की स्काईलाइन, यानी इसकी हाइट से आप पूरा कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक व्यू कर पाएंगे। ये जो ब्लॉक आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये आपका सेक्टर बी है ओवरसीज प्राइम का। इसकी कटिंग एंड फिलिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 95% कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसी तरह सेक्टर सी जो है इसके साथ ही है, इसकी कटिंग एंड फिलिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर बी के साथ एक सेक्टर ए आ रहा है, इसकी भी 100% कटिंग एंड फिलिंग हो चुकी है, जिसमें आपके डुप्लेक्स और टाउन हाउसेस बनेंगे। सेक्टर डी की बात करें तो इसमें कटिंग एंड फिलिंग का आपका 80% काम हो चुका है और सेक्टर ई में अप्रोक्सीमेटली 50% काम हो चुका है कटिंग एंड फिलिंग का। सेक्टर डी और ई एक दूसरे के साथ है, सावर सात मरला की कटिंग में ही है। सेक्टरी में इस टाइम कटिंग एंड फिलिंग का 50% काम हो चुका है। सेक्टर एफ में इस टाइम कटिंग एंड फिलिंग का काम चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30% काम हो चुका हुआ और मशीनरी इन प्रोग्रेस है। ये राउंड अबाउट जो आप देख रहे हैं सेक्टर जी से ई की तरफ पहला राउंड अबाउट जो मास्टर प्लान में भी आप देख सकते हैं, ये उसकी कारपेटिंग हुई हुई है। इसी राउंड अबाउट के आप राइट साइड पे देखें सेक्टर एच है और इसकी 100% कटिंग एंड फिलिंग हो चुकी है। इसी तरह आपका जो सेक्टर जी है इसका 100% काम हो चुका है। सेक्टर जी की एक खसूसियत ये भी है कि ये 10 मरला का ब्लॉक है और मेन बुलेवार्ड जो है 180 फीट की, अगर इसमें ग्रीनरी ऐड कर लें 300 फीट का बुलेवार्ड है, ये बिल्कुल इसके साथ टच हो रहा है और इसकी 100% कटिंग क्लीन हो चुकी है।
इसी बुलेवार्ड के आपके ऑपोजिट साइड पे जो सबसे पहले ब्लॉक आ रहा है उसका नाम सेक्टर जे है। इसकी अप्रोक्सीमेटली जो है 60% जो है कटिंग एंड फिलिंग का काम हो चुका है। इसी के सामने जो है लेफ्ट साइड पे के ब्लॉक है जिस पे अभी तक कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू नहीं हुआ और सेक्टर एल पे भी काम शुरू नहीं हुआ। और बिल्कुल एंड पे जो है सेक्टर एम है जिस पे अप्रोक्सीमेटली 10% काम शुरू हो चुका है। ओवरसीज प्राइम जो है 23 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। एक साल होने को है इसकी लॉन्चिंग को और अप्रोक्सीमेटली 60% जो है इसकी कटिंग एंड फिलिंग का काम हो चुका है। पोजेशन की कंडीशन का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये आपको 2022 मई में तो 2 से 3 ब्लॉक का पोजेशन तो आपको मिल सकता है, लेकिन पूरा ओवरसीज प्राइम जो है आपको 2023 के मिड तक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक 2023 के मिड तक कंप्लीट ओवरसीज प्राइम जो है आपको हैंडओवर हो जाएगा। ओवरसीज प्राइम में इस टाइम भी जो है 15 के लगभग मशीनरी लगी हुई थी जो मेरी नज़र से गुजरी है, और डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा स्लो चल रहा था क्योंकि शुरू में इन्होंने बहुत रैपिड डेवलपमेंट की है, और जो मेरी नज़र में इन्होंने इसकी डेवलपमेंट का काम स्लो डाउन एक ही वजह से किया होगा कि वो इनका प्रॉमिस है जो उन्होंने ओवरसीज़ टू यानी कि ओवरसीज़ सेंट्रल के साथ की है कि हम इसको ओवरसीज़ प्राइम से पहले आपको हैंडओवर करेंगे। मशीनरी की कमी नहीं है इनके पास, ना ही स्किल सेट की कमी है। एक ही चीज़ जो इनको होल्ड कर रही है वो इनका प्रॉमिस है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।